थी। मैं नेहा वैष्णव, आज हमारा पूरा विश्व संकट में है और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने घरों में रहे और सुरक्षित रहे। मैं आपके सामने सोहन मालीवाल गुरु जी की एक रचित कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारे। कोरोना का कहर भयंकर छाया है, कोरोना का कहर भयंकर छाया है, बचा नहीं कोई देश, विश्व थर्राया है। हो छुटा नहीं कोई देश, विश्व घबराया है। ऐसी आई यह महामारी, रोई है दुनिया सारी, मर गए लाखों नर नारी, कहीं पीड़ित है अति भारी, तड़प रही काया है। बचा नहीं कोई देश, विश्व थर्राया है। हो छुटा नहीं कोई देश, विश्व घबराया है। बढ़ रही है आगे से आगे, जो छूता उसके लागे, सब लोग घरों में भागे, ये अपनी जान बचा के, छोड़ सब माया रे। छुटा नहीं कोई देश, विश्व थर्राया है। हो बचा नहीं कोई देश, विश्व घबराया है। भारत में आई बीमारी, लॉकडाउन लग गया भारी, मोदी जी को नमन हमारी, बढ़ती विपदा को टारी, सबके मन भाया है। बचा नहीं कोई देश, विश्व थर्राया है। हो छुटा नहीं कोई देश, विश्व घबराया है। कुछ है यहाँ पर उत्पाती, मरकज से आए जमाती, ये मानवता के दुश्मन, दानवता इनको बाती, जहर फैलाया है। बचा नहीं कोई देश, विश्व थर्राया है। हो छुटा नहीं कोई देश, विश्व घबराया है। हे धन्य चिकित्सा कर्मी और प्रशासनिक अधिकारी, इन संकट की घड़ियों में हिम्मत हरगिज ना हारी, जोश दिखलाया है। बचा नहीं कोई देश, विश्व थर्राया है। हो बचा नहीं कोई देश, विश्व घबराया है। कोरोना का कहर भयंकर छाया है, कोरोना का कहर भयंकर छाया है, बचा नहीं कोई देश, विश्व थर्राया है। हो छूटा नहीं कोई देश, विश्व घबराया है। धन्यवाद। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने घरों में रहे और सुरक्षित रहे। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। भारत